प्रदेश एससी एसटी कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर दिलीप धीमान ने कहा कि कोठीपुरा में स्थित एम्स में बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एम्स में ओपीडी का शुभारंभ किया। वे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार की देन है। पूर्व प्रधानमंत्री ने वर्ष 2010-11 में घोषणा की थी कि देश के हर राज्य में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स के पैटर्न के आधार पर एम्स जैसा संस्थान खोला जाए। बिलासपुर जिले में एम्स संस्थान का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की देन है, जबकि प्रदेश के 5 जिलों में कहीं भी एम्स संस्थान खोला जाना था। उन्होंने अपने कैबिनेट में कोठीपुरा में एम्स संस्थान खोलने पर मुहर लगाई थी। ये एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बने थे, एम्स नहीं है, और इनमें हमारे जो विजनरी चीफ मिनिस्टर थे राजा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने जैसे ही बिलासपुर के लिए और हिमाचल के लिए एम्स सैंक्शन हुआ, क्योंकि हर स्टेट में एक एम्स खुलना है, तो उसके इमिडिएटली खुलते ही उन्होंने जब ये उनके पास चॉइस आई कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुलना है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट आए थे, तो उन्होंने बिलासपुर को और जहाँ की वेटनरी वालों के जो फार्म हाउस था, जर्सी का फार्म था वहाँ पे, और वहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी था जो कि नवो विद्यालय को दिया गया था, और ये जो जर्सी वाला फॉर्म था कोठीपुरा में, इसकी सारी लैंड हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दी गई। और इसके साथ जो और रिक्वायरमेंट लैंड की थी उसमें उस सेंक्शन के लिए दो तीन साल से ज़्यादा टाइम लगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन से जोड़ के ये सब किया है, और इलेक्शन को देखते ही ये कर रहे हैं। और अब जैसे फुल फ्लैश 22 में इलेक्शन आएंगे तो ये कहेंगे कि हमने इंडोर शुरू करना है, फिर उसका उद्घाटन ये फिर करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा उद्घाटन कोई ना कोई किसी तरह करते रहेंगे। तो इस तरह ये उद्घाटनों की जो है ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, और इसकी जो प्रोग्रेस है वो कंट्री की या स्टेट की जो प्रोग्रेस है उस पर ध्यान देना चाहिए, इलेक्शनों पर कम ध्यान देना चाहिए। प्रोग्रेस होगी, लोग उस पार्टी को चाहेंगे जो प्रोग्रेस करेगी और उसी को वोट देंगे। और ये पिछले इलेक्शनों में अभी इनको पता चल गया है, 4-0 से ये हार चुके हैं हिमाचल में, और तीनों विधानसभा की सीटें और एमपी की सीट कांग्रेस ने जीती है, और हमारे मैडम प्रतिभा सिंह जीते हैं, और आइंदा भी जो आने वाला इलेक्शन है इसमें कांग्रेस विजयी रहेगी और प्रदेश में सरकार बने। गुप्ता कंस्टिट्यूंसी के बारे में मेरे विचार में जो इसकी प्रोग्रेस है वो चहुमुखी नहीं हो रही है, और ये कुछ सेंट्रल वो है, और जो यहाँ काम भी दिए जा रहे हैं जो 4 लेन में काम है वो भी अपने चहेतों को सरकार दे रही है, और अपने जो भी जो पिछले काम भी हैं कुछ दो दो तीन तीन साल से कोई रोडों के काम पूरे नहीं किए गए हैं, और जो टेंडर भी हैं वो यहाँ पे प्रक्रिया अंडरग्राउंड की जाती है और उसकी पब्लिसिटी वाइड पब्लिसिटी नहीं की जाती, और उनका ठीक से वो होना चाहिए और हर आदमी को काम मिलना चाहिए और उसमें पार्टी स्तर पे भेदभाव नहीं होना चाहिए।